प्यारे बच्चों, अब आप समझेंगे मुद्रा के रूप। मुद्रा दो तरीके की हो गई। अगर एक तो हम बात करते हैं आधुनिक मुद्रा की। किसकी? आधुनिक मुद्रा की, जो आज की मुद्रा है, जो आज आप चला रहे हैं, उस मुद्रा को आधुनिक मुद्रा कहते हैं। आधुनिक मुद्रा के कौन कौन से रूप हैं बेटा? आधुनिक मुद्रा में कागज़ की नोट है, जैसे कि आपके पास 2000 का नोट होगा, 500 का नोट होगा, 10 का नोट होगा, ये सब आधुनिक रूप हैं। सिक्के हो गए, ये भी आधुनिक है। चेक दे रहे हैं आप किसी को, ये भी आधुनिक रूप है। डेबिट कार्ड जिसे आप एटीएम कार्ड कहते हैं, एटीएम कार्ड एक्चुअली में एटीएम की वो मशीन होती है, कार्ड का नाम होता है डेबिट कार्ड, ठीक है। डेबिट आप अपना पैसा यूज़ करते हैं, क्रेडिट कार्ड हो गया, और एक होती है नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग। आप अपने नेट बैंकिंग मोबाइल बैंकिंग के एग्जांपल, जैसे कि आप पेटीएम यूज़ करते हैं, भीम ऐप यूज़ करते हैं, अमेजोन ऐप यूज़ करते हैं, मूवी क्विक यूज़ करते हैं, ये सब क्या हैं? मुद्रा के आधुनिक रूप हैं। अब हम बात करेंगे परंपरागत, जब पुराना समय था तो मुद्रा किस चीज़ की होती थी? सोने की भी होती थी, सिलकड़ी की भी होती थी, तांबा, चांदी, चमड़ा, इन सब की मुद्रा होती थी। तो आज की जो मुद्रा है और तब की मुद्रा का अपना मूल्य होता था। जैसे सोना मुद्रा भी होती थी और सोने के रूप में भी बिकती थी, है ना। तो ये दो तरीके की मुद्राएं हो गई, एक आधुनिक मुद्रा और एक कौन सी? परंपरागत मुद्रा। मुद्रा का मतलब तो आप समझ गए होंगे, पैसा, रुपया। और भारत की मुद्रा का नाम क्या है? रुपया। आधुनिक में क्या क्या है? आधुनिक में बेटा ध्यान से सुनेंगे, कागज़ के नोट, सिक्के, चेक, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग, ठीक है। अब आगे बात करेंगे, इससे अगला टॉपिक है आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। आवश्यकताओं का दोहरा संयोग,